भोपाल से आई बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं, जहां मौसम विभाग ने यूपी की सीमा से सटे संभागों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रीवा सतना जबलपुर संभाग में आज तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। वहीं प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में इजाफा हो सकता है, तो मौसम विभाग की सलाह, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग की चेतावनी है कि मौसम विभाग ने ये सलाह भी दी है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। वहीं प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में इजाफा हो सकता है, साथ ही रीवा सतना जबलपुर संभाग में आज तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। तो यूपी की सीमा से सटे संभागों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। इसके साथ ही प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में इजाफा हो सकता है, साथ ही रीवा सतना जबलपुर संभाग में तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी वैभव, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तेज आंधी और तूफान आने की संभावना है, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, तो मौसम विभाग ने जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए संभाग हैं, रीवा सतना जबलपुर, उन स्थानों के लिए चेतावनी जारी की। उन्होंने मौसम विभाग ने कहा है कि इन स्थानों पर तेज आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, तो लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो होर्डिंग्स के पास ना खड़े रहें, क्योंकि जिस तरह से राजधानी भोपाल में देखा कि आंधी के दौरान गेंद्री गिर गई थी, इससे कई लोग चोटिल हुए थे। तो मौसम विभाग ने कहा है कि बहुत तेज आंधी आने की पूरी संभावना है, तेज गति से हवा चलेगी, ऐसे में लोग सावधान रहे। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश का जो तापमान है उसमें भी और बढ़ोतरी होगी, तो लोग अपना ध्यान रखें और घर से बाहर तभी निकलें जब कोई जरूरी काम हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।